Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome student in my new lecture at RCA Mansera. Aaj ka hamara topic hai oxidizing and reducing agent. Oxidizing and reducing agent. सबसे पहले देखते हैं कि oxidizing agent क्या होते हैं. ऐसी substances जो chemical reaction में दूसरी substance को oxidize करें, खुद reduce हों, ऐसी substances oxidizing agent या oxidant कहलाती हैं. Substances that oxidize other substances and themselves get reduced during a chemical reaction are called oxidizing agent. अब बट मैं आपको एक सिंपल मसाल अगर इसकी समझाऊं, अगर हमारे यहां कोई बंदा अब्रॉड जाता है तो वो ट्रैवल एजेंट के पास जाता है. अब ट्रैवल एजेंट क्या करता है? ट्रैवल एजेंट खुद ट्रैवल नहीं करता बल्कि वो पैसेंजर को ट्रैवल कराता है, यानी दूसरे को ट्रैवल कराने वाला ट्रैवलिंग एजेंट या ट्रैवल एजेंट कहलाता है. इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर ऐसी सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. ऐसी सब्सटेंस जो रिएक्शन में दूसरी सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करे और उसका अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं हम, उस हम ऑक्सीडेंट कहते हैं. अब देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं. ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो, ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जी. यानी कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कंपाउंड क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है के एम एन ओ फोर पोटेशियम पर मैगनेट, जहां पे सेंट्रल एटम हमारे पास मैगनीज है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन है जो कि मैक्सिमम है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. मेरे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में सेंट्रल एटम क्रोमियम है जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है जो कि प्लस सिक्स है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. मेरे पास फेरिक क्लोराइड है, नॉर्मली आयरन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री होती है, तो आयरन चूंकि यहां पे प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये क्या हुआ? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ. पॉइंट नंबर टू, कि कौन से कंपाउंड हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. पॉइंट नंबर टू पे जब मैं बात करता हूं, ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या होते हैं? ऑक्साइड ऑफ मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमारे पास सोडियम ऑक्साइड, हमारे पास सोडियम पर ऑक्साइड,
ये क्या हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं. मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. मेरे पास क्लोरीन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. मेरे पास ओजोन है, क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन तीनों में से आप किसी एक कैटेगरी में अगर कोई कंपाउंड, कोई आयन, कोई मॉलिक्यूल, कोई स्पीशी फॉल करेगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगी. अब इस पे मैं बात करता हूँ कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं. डियर स्टूडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसी सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में दूसरे को रिड्यूस करें, खुद ऑक्सीडाइज हों. ऐसी सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में दूसरे को रिड्यूस करें, खुद क्या हों? ऑक्सीडाइज हों, उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. ऐसी सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में दूसरी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर कम करें और उनका अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, ऐसी सब्सटेंसेस रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती हैं. रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी कहते हैं. रिड्यूसिंग एजेंट को एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं. अब कौन सी चीज़ें रिड्यूसिंग एजेंट हो सकती हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? रिड्यूसिंग एजेंट ऑल द मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट. ऑल द मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट. सारे की सारी मेटल क्या होती हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं. सारी की सारी मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं. फॉर एग्जांपल, सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट. फॉर एग्जांपल, कैल्शियम इज रिड्यूसिंग एजेंट. फॉर एग्जांपल, फेरिक इज रिड्यूसिंग एजेंट. ये आपके पास क्या होती हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं. सारी की सारी मेटल हमारे पास क्या होती हैं? हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं. हाइड्राइड ऑफ मेटल, हाइड्राइड्स ऑफ मेटल्स, मेटल के हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे पास सोडियम हाइड्राइड है. फॉर एग्जांपल, मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्राइड है. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एल्युमिनियम हाइड्राइड है. फॉर एग्जांपल, मेरे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बहुत ही फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है. मेरे पास सोडियम बोरान हाइड्राइड, बहुत ही फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है. तो दूसरी कैटेगरी में वो सब्सटेंसेस रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, वो सब्सटेंसेस रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं जो मेटल के हाइड्राइड हों. ऑल द मेटल हाइड्राइड आर व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट. तीसरी कैटेगरी रिड्यूसिंग एजेंट की क्या होती है? तीसरी कैटेगरी रिड्यूसिंग एजेंट की होती है हमारे पास वो कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम हो. वो कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम हो, उन कंपाउंड को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे. फॉर एग्जांपल, मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, जो कि सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है. मेरे पास फेरस क्लोराइड है. किसी कंपाउंड में आयरन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू हो सकती है कंपाउंड में आयरन की. तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है. अब चौथी कैटेगरी में आते हैं कि कौन सी चीजें रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं. चौथी कैटेगरी में जब हम आते हैं तो हमारे पास हाइड्रा एसिड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. हाइड्रा एसिड, ऑल द हाइड्रा एसिड आर रिड्यूसिंग एजेंट. डियर स्टूडेंट, एक होते हैं ऑक्सी एसिड, जिनमें ऑक्सीजन होते हैं. एक होते हैं हाइड्रा एसिड,
हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन हो, लाइक HCl, लाइक HBr, लाइक HI, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यानी रेड्यूसिंग एजेंट की हमने चार कैटेगरी बात कर ली। पहली कैटेगरी में क्या बात कर ली, सारी मेटल रेड्यूसिंग एजेंट होती हैं, हाइड्राइड्स ऑफ मेटल रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। फिर हमने बात कर ली कि हमारे पास वो कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम हो, वो भी रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। फिर हमने बात कर ली हमारे पास हाइड्रा एसिड क्या होते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट। फिर एक और कंपाउंड भी रेड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम कहते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल भी रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल लाइक कार्बन, लाइक सल्फर, लाइक फास्फोरस, दीज आर रेड्यूसिंग एजेंट। तो स्टूडेंट यहां से ईटा के अंदर एमसीक्यूज आता है, समझने की कोशिश करना। हमारा आम तौर पे हमारा माइंड बना होता है, क्या माइंड बना होता है कि मेटल रेड्यूसिंग एजेंट है, नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, चूंकि हमारे पास जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स होती हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होती हैं, वो रेड्यूसिंग एजेंट होती हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होती। अगर आपका ऑब्जेक्टिव आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेड्यूसिंग एजेंट, अगर मेरा ऑप्शन वन हो क्लोरीन, अगर मेरा ऑप्शन टू हो कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है, अगर मेरा ऑप्शन टू हो क्लोरीन, अगर हमारा ऑप्शन टू हो फास्फोरस, हमारा ऑप्शन थ्री हो कार्बन, हमारा ऑप्शन डी हो ऑल ऑफ दीस, कौन सा हमारे पास रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है। अब देखें हमारे पास क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है। अब बच्चा ये समझता है कि फास्फोरस और कार्बन नॉन मेटल है, वो कहीं समझता है कि ये नॉन मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है, सारी नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होती, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल रेड्यूसिंग एजेंट होती हैं। तो इसका मतलब है कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है। आम बच्चा ऑल ऑफ दीज पे चला जाएगा, लेकिन जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिस बच्चे ने बेटर केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, वो आएगा कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है, क्लोरीन रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है, चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही ईटा होता है, सिंपल सा यही वो पॉइंट होता है जहां पे हमारे बच्चे प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट का टॉपिक समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, आपको इसका आंसर मिलेगा। थैंक यू।